हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मंत्रियों की सुरक्षा में तैनात दो बड़े अधिकारी आपस में भिड़ गए। नाराजगी की वजह तो पता नहीं चली, लेकिन जब हंगामा बढ़ा तो आम लोगों ने भी बवाल शुरू कर दिया। और विवाद तब शुरू हुआ जब अचानक किसी बात पर कुल्लू के एसपी गौरव सिंह ने थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात अधिकारी को मारा गया था। आवाज तो सुनाई नहीं दी, लेकिन वीडियो देखकर ऐसा लगा कि किसी बात पर एसपी को धमकाया जा रहा था, जिस पर गौरव सिंह आपा खो बैठे। इसके बाद तो आसपास खड़े कई पुलिस अधिकारी भड़क गए। साथ में काला कोट पहने सुरक्षा में तैनात कुछ और अधिकारी भी आ गए। कुछ लोग एसपी गौरव सिंह को पीछे ले जाने लगे और काला कोट पहने एक अधिकारी ने एसपी को लातों से मारना शुरू कर दिया। तभी खाकी वर्दी में कुछ और पुलिस अधिकारी भी दौड़ते हुए पहुंचे, लेकिन एसपी गौरव सिंह खुद भागते हुए दूर चले गए। ये पूरी घटना तब हुई जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 4 दिन के लिए कुल्लू के दौरे पर है। घटना के वक्त हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद थे और अफसरों के बीच मारपीट की ये पूरी घटना उनके सामने ही हुई। वीडियो में साफ दिखा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपनी कार में आकर बैठे। सिक्योरिटी इंचार्ज ने उनके बैठने के बाद कार का दरवाजा बंद किया, जिसके बाद अफसरों की भिड़ंत शुरू हुई। आसपास के लोग भी वहां मौजूद थे, जो अपने इलाके के एसपी की पिटाई होते देख भड़क गए। घटना देखकर पहले एक आदमी चिल्लाया और उसकी बात सुनकर भीड़ बढ़ने लगी। अधिकारियों ने मौके की नजाकत समझते हुए गाड़ियों के काफिले को फौरन रवाना कर दिया, लेकिन लोगों ने एसपी के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद काफी देर तक पुलिस वाले लोगों को शांत कराने में लगे रहे, लेकिन दो बड़े अधिकारियों के भिड़ने की घटना पर हंगामा बढ़ने में भी देर नहीं लगी। इसीलिए पुलिस ने भी फौरन एक बयान जारी किया और बताया कि केंद्रीय मंत्री के दौरे के दौरान हुई घटना की जांच के लिए आदेश जारी कर दिया गया है और रेंज के डीआईजी मधुसूदन को घटना की जांच का आदेश दिया गया है, जो उस वक्त वहां मौजूद थे। अफसरों के बीच झगड़े की घटना कुल्लू के मुंतर एयरपोर्ट के बाहर हुई। उस वक्त नेताओं की गाड़ियां निकलने से पहले बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। इसी बात पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों की एसपी गौरव सिंह से बहस होने की खबर है। जिस अधिकारी को एसपी गौरव सिंह ने थप्पड़ मारा, वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सुरक्षा के इंचार्ज हैं। हालांकि इस घटना के वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल होने लगे हैं, जिसके बाद खुद सीएम ने मामले पर सफाई दी। हमने इंक्वायरी का ऑर्डर दिए हैं, हमने कहा कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट दीजिए, एक्शन करेंगे जो कार्यवाही की। राजस्थान के राजसमंद से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां गांव वालों ने वन विभाग की मदद से एक तेंदुए को पकड़ लिया। बताया गया कि इस इलाके में तेंदुओं का काफी आतंक है और 3 दिन पहले भी वहां एक तेंदुआ पकड़ा गया था। इसी कड़ी में इस तेंदुए को भी वन विभाग ने पकड़ लिया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग तेंदुए को लाठी के जरिए काबू करते दिखाई दिए। बताया गया कि वहां तेंदुए के दिखते ही गांव वालों ने वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद किसी तरह इसे पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इस भारी भरकम तेंदुए को पिंजरे में डाल दिया गया। हालांकि तेंदुए को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी, लेकिन बाद में किसी तरह उसे काबू कर पिंजरे में रख दिया गया। मध्य प्रदेश के कई शहरों में कुछ घंटों की बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। जिन जगहों पर बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी, उनमें खंडवा जिला भी शामिल है। वहां रात में जोरदार बारिश हुई और देखते ही देखते नदी और नालों में इतना पानी भर गया कि वो आसपास के रिहायशी इलाकों में घुस गया। रात भर परेशानी झेलने के बाद जब लोगों ने सुबह आंख खोली तो आसपास का मंजर हैरान करने वाला था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखा। मुश्किल तो ये थी कि पानी सड़कों पर ऐसे बह रहा था जैसे समंदर में लहरें उठ रही हों। ये देखकर लोग भी हैरान रह गए। जो जहां खड़ा था वो वहीं से समंदर जैसी सड़कों को देखता रहा। बुरहानपुर में तो केवल 1 घंटे की बारिश से हालात बिगड़ गए। वहां मानसून की पहली बारिश के बाद ही कई इलाकों में पानी भर गया, जिसमें कुछ बच्चे मौज मस्ती करते दिखे। वैसे इस बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत भी मिली, लेकिन ये राहत उस मुसीबत के आगे कुछ नहीं थी जो लोगों को सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से झेलनी पड़ी। लोग हों या गाड़ियां, सब इस पानी से गुजरने को मजबूर हो गए। यूपी पुलिस की गिरफ्त में आए जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वाले रैकेट से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। पकड़े गए लोगों पर आरोप है कि वो जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ने के मकसद से जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे। धर्म परिवर्तन मामले में मौलाना उमर गौतम की गिरफ्तारी से पता चला है कि धर्मांतरण का ये खेल दिल्ली समेत 14 से भी ज्यादा राज्यों में चल रहा था, जहां हिंदुओं को टारगेट कर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था और ये काम इस्लामिक दावा सेंटर की पनाह में हो रहा था। न्यूज 18 को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार एटीएस को ये पता चला है कि उमर गौतम और जहांगीर मिलकर
हिंदुओं की जनसंख्या के बराबर मुसलमानों की जनसंख्या को खड़ा करना चाहते थे। करीब 1000 लोगों के धर्मांतरण का पूरा रिकॉर्ड भी उनके पास से एटीएस को मिला है। मैंने जो सोचा नहीं था कभी, मेरे घर वालों ने भी नहीं सोचा था कि कहां कहां अल्लाह ने पहुंचा दिया। मैंने इंग्लैंड 18 मरतबा इंग्लैंड जाना हुआ, 4 मरतबा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अमरीका जाना हुआ, और अफ्रीका और बहुत सारे ममालिक में अल्लाह ने पहुँचा दिया। दिल्ली के ISD यानी इस्लामिक दावा सेंटर में लोगों के सामने माइक पर अपनी शेखी बघारता ये वो मोहम्मद उमर गौतम है जो कभी श्याम प्रताप सिंह गौतम हुआ करता था। नैनीताल से पढ़ाई करने वाले इस उमर गौतम के करतूतों की परतें अब एक एक कर खुल रही हैं। उसके पुराने वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें वो साफ साफ कह रहा है कि वो धर्म परिवर्तन कराने के काम में जुटा है। मैंने अपने दोस्तों को दावत दी तो उसी यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह 7 लोगों ने इस्लाम की गवाही दी। उनमें से एक हमारा दोस्त था गोरखपुर का रहने वाला यादव घराने का, उसने कहा कि जब गौतम साहब उमर साहब हो गए हैं तो मैं भी इस्लाम ले आता हूँ। इतनी उसको मोहब्बत थी, उसका नाम मैंने मोहम्मद उस्मान रखा। उमर गौतम के इस पुराने वीडियो में वो तफसील से बता रहा है कि किस तरह वो धर्म परिवर्तन करवाने की कानूनी प्रक्रिया का भी पालन करता था ताकि काम कच्चा न रह जाए और धर्म परिवर्तन वालों के पास बचने का कोई तरीका न रह जाए। खुद उमर की जुबानी ही सुनिए वो ये सब कैसे करता था। इस सेंटर में 1000 से ज्यादा लोगों के लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की गई है। अभी आप आज ही की डेट में एक लड़की सुप्रिया आयशा नाम की जो MSc बीएड है कानपुर से, CJM कोई यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी होगी वहाँ से, और अभी उसने आज की ही डेट में, अब तो शायद डेट भी बदल जाएगी, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में जाकर के अपना चेंज ऑफ नेम चेंज ऑफ रिलीजन का ऐड दिया है। कल या परसों आप उसको देख सकते हैं क्लासिफाइड कॉलम में। ऐसे कितने केसेज हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस खिदमत एक छोटी सी खिदमत में हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने उलमा की सरपरस्ती में बुजुर्गों की सरपरस्ती में लगे हुए हैं और इस बात की हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद हो जो दीन कबूल करते हैं दीन में दाखिल होते हैं और उनको बाकायदे मोरल सपोर्ट दिया जाए लीगल सपोर्ट दिया जाए और उनकी जो भी बेहतर से बेहतर रहनुमाई होती है वो की जाए। उमर गौतम का ये सनसनीखेज दावा खुद उसकी जुबानी उसके अपराध का कबूलनामा है। ये सब सुनकर अगर हैरानी हो रही है तो थोड़ा और हैरान होने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि उमर का दावा है कि उसके गैंग के तार कई देशों से जुड़े हैं, यानी जो काम वो भारत में कर रहा था वो दुनिया के कई देशों में भी चल रहा है। ऐसे लोग यानी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के भी हैं बाहर के भी हैं। हमारे यहाँ इस्लामिक दावा सेंटर में पोलैंड से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहीं कितने ममालिक से लोग आकर के उन्होंने वहाँ से अपना लीगल असिस्टेंस भी लिया। उनकी मैरिजेस के भी मामलात हुए, कोर्ट मैरिज के भी मामलात हुए और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक सिलसिला चल रहा है। ये सब काले कारनामे दिल्ली के जामिया इलाके में मौजूद ISD यानी इस्लामिक दावा सेंटर के जरिए देश भर में किए जाते थे जिसकी गवाही उमर गौतम के पुराने वीडियो दे रहे हैं। उमर गौतम और जहांगीर को गिरफ्तार करने के बाद ATS ने उन्हें रिमांड पर लेने के लिए जो अर्जी दायर की है उसमें कई रोंगटे खड़े कर देने वाली दलीलें हैं। इस दलील में ये भी कहा गया है कि दोनों इस कोशिश में थे कि मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं के बराबर हो जाए और यही कारण है कि सिर्फ हिंदुओं को टारगेट कर उनका ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण कराया जा रहा था और फिर इन्हीं हिंदुओं का इस्तेमाल कर दूसरे हिंदुओं तक पहुंचने की कोशिश चल रही थी। जो विक्टिम लोग हैं उनके परिवारों से और कुछ सूचनाएं उनके अन्य स्रोतों से भी प्राप्त हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसकी विवेचना चूंकि बहुत बृहद है और कई प्रदेशों में फैली है तो हमारी पुलिस अन्य प्रदेशों के पुलिस के साथ भी संपर्क में है, अन्य एजेंसियों के साथ भी संपर्क में है। ATS ने दावा किया कि आरोपियों के पास से धर्मांतरण से जुड़े रजिस्टर मिले हैं और उनके फोन से भी कई अहम जानकारियां मिली हैं। यही नहीं, दावा किया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन करवाने वाला गैंग खास तौर पर गरीब हिंदुओं को निशाना बनाता था। पुलिस को उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर के पास से 81 पन्नों की एक लिस्ट मिली है जिसमें उन लोगों के नाम लिखे हैं जिनका जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया। अकेले मुफ्ती जहांगीर पर ही 100 से ज्यादा लोगों का गलत तरीके से दबाव बनाकर धर्म बदलवाने का आरोप है। ATS को जहांगीर और उमर गौतम की 7 दिन की रिमांड भी मिल गई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि न सिर्फ लालच देकर बल्कि डरा धमका कर भी ये लोगों का धर्मांतरण करते थे।
अब पुलिस इस गैंग के मास्टरमाइंड की तलाश कर रही है। बैंकों का पैसा लेकर फरार हुए आरोपी विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को ईडी से बड़ा झटका लगा है। न्यूज 18 के विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि इन तीनों की करीब 8,500 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। ईडी ने उन बैंकों को ट्रांसफर कर दी है जिनका पैसा लेकर इन पर फरार होने का आरोप है। इसके साथ ही उन बैंकों को अब यह अधिकार होगा कि वो उन संपत्तियों की नीलामी कर सकें। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने इन तीनों की 18,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी, जिसका बड़ा हिस्सा सरकारी बैंकों को दे दिया गया ताकि वो इन पैसों से अपने नुकसान की भरपाई कर सकें। आरोप है कि इन तीनों ने अपनी कंपनियों के जरिए पैसों की जो हेराफेरी की उससे बैंकों को करीब 22,000 करोड़ से ज्यादा की चपत लगी। यूपी में एक ही दिन में छोटी कंपनियों को 2,500 करोड़ के लोन दिए गए। लखनऊ में लोन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31,000 से ज्यादा नई छोटी कंपनियों को करीब 2,500 करोड़ का लोन बांटा। 31,000 से अधिक यूनिट को आज 2,500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई। उन्हें शिक्षक भर्ती घोटाले में 2013 में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अब कुछ कागजी कार्रवाई पूरी होते ही उनकी रिहाई के आदेश जारी कर दिए जाएंगे। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला पहले से ही पैरोल पर बाहर हैं। तिहाड़ जेल विजिट करना होगा पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी के लिए, जिसके बाद उनकी रिहाई फाइनली कर दी जाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के पांचवें दिन स्टेडियम से दो दर्शकों को बाहर निकाल दिया गया। आरोप है कि उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों पर नस्ली टिप्पणी की थी। इसी के बाद आईसीसी ने यह कार्रवाई की। पश्चिम बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी और टीएमसी में बयानबाजी शुरू हो गई। ममता सरकार ने उनकी याद में वहां कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी संबंधे कोनो कन्फ्यूजन नहीं, ये बांग्लार एक जन प्रीति संतान, भारतेर प्रीति संतान। जबकि बीजेपी ने इस दिन को बलिदान दिवस के तौर पर मनाते हुए टीएमसी पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अनदेखी का आरोप लगा दिया। पश्चिम बंगाल में हम लोग है, ये तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कारण। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सम्मान देना चाहिए, इतना दिन स्टेट गवर्नमेंट नहीं दिया। बिहार में कोरोना पाबंदी हटने के बाद पार्क भी खोल दिए गए। हालांकि अभी लोग सुबह 6 से 12 बजे तक ही वहां जा सकेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां मंदिर में शादी करने के बाद दुल्हन को विदा करवा कर ले जा रहे दूल्हे की पिटाई कर दी गई। दोनों ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, जिससे लड़के के घर वाले नाराज थे। ऐसे में जब उन्हें लड़के के मंदिर में शादी करने की खबर मिली तो वो भी वहां आधम के फेरे लेने के बाद लड़का दुल्हन के साथ स्कूटर से जाने लगा। तभी उसके भाई और उसके साथियों ने उन्हें घेर लिया। दूल्हे को स्कूटर से उतार कर उसकी जमकर पिटाई की गई। बताया गया इस दौरान दुल्हन के साथ भी हाथापाई की गई। देखो मार रहे हैं, देखना अभी। वीडियो में एक आदमी उसके साथ धक्का मुक्की करता दिखाई दिया। पति जब उसे छुड़ाने पहुंचा तो उसे भी घेर लिया गया। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा और बाद में दूल्हा और दुल्हन ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। शायद वो नाखुश थे उसकी इस तरह की शादी से, तो उन्होंने अपने भाई के साथ मारपीट की थी। हालांकि पुलिस ने दुल्हन के साथ मारपीट किए जाने की खबर को खारिज कर दिया। ब्राजील में सरकार आदिवासियों की जमीन के इस्तेमाल के लिए एक बिल लाई तो उस पर ऐसा बवाल हुआ कि सड़क पर संग्राम छिड़ गया। ब्राजील का संविधान आदिवासियों के लिए आरक्षित जंगल की जमीन पर व्यावसायिक गतिविधियों की इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर ये बिल पास हुआ तो अमेज़न के जंगलों में अब तक अवैध तरीके से जो खनन और पेड़ों की कटाई हो रही है उसे कानून का कवच मिल जाएगा। इसलिए जैसे ही आदिवासियों को इस बिल की भनक लगी, उन्होंने राजधानी ब्रसिलिया में संसद के पास डेरा डाल दिया और फिर ऐसी तस्वीरें सामने आईं जो दुनिया में शायद ही इससे पहले कभी देखी गई। हाथों में बांस के डंडों से बनी ढाल और तीर कमान लेकर आदिवासी पुलिस से दो दो हाथ करने उतर गए। हालांकि इससे पहले आदिवासी एकदम शांति से बिल का विरोध कर रहे थे। तस्वीरों में वो पुलिस के आगे ही सड़क पर नाचते दिखे। लेकिन फिर पुलिस ने विरोध प्रदर्शन पर इतनी सख्ती की कि ऐसा लगा जैसे बीच सड़क पर खूंखार आतंकियों के साथ उसकी मुठभेड़ चल रही हो। इतनी आंसू गैस छोड़ी गई कि प्रदर्शनकारियों का खांस खांस कर बुरा हाल हो गया। उनका एक साथी तो बिल्कुल बेदम सा नजर आया। 3 लोगों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा। फिर तो प्रदर्शनकारी भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ गए।
इस झड़प में कुछ आदिवासियों को रबर की गोलियां लगने से चोटें भी आईं। यूपी में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने बीजेपी से 2022 के चुनाव में खुद को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाने की मांग की। यूपी में निषाद पार्टी बीजेपी की सहयोगी है। 18% वोट है, हमारा समाज एकजुट है, मेरे एक झंडे के नीचे है, आप मेरे चेहरे पर उप मुख्यमंत्री लड़ो। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरी की पूरी कार राख हो गई। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें ये गाड़ी लपटों से घिरी नजर आई। आग ने देखते ही देखते पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लपटों से निकलने वाला धुआं तेजी से आसमान की तरफ फैलता नजर आया। हालांकि ये गाड़ी एक खाली प्लॉट में खड़ी थी और आग लगने के वक्त इसमें कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के सियासी पार्टियों और प्रधानमंत्री की बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। एक दिन पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से बातचीत का अपना पुराना राग अलापा था, जिसके बाद जम्मू में अलग अलग संगठन सड़कों पर उतर आए और महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान राग पर अपना गुस्सा जताने लगे। बजरंग दल ने तो जम्मू में महबूबा का पुतला भी जलाया। लोगों में नाराजगी है और कई संगठन जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने उनके खिलाफ खूब नारे लगाए। प्रधानमंत्री की बैठक से पहले ही गुपकार गठबंधन में शामिल पार्टियों ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है और उनकी तैयारी है कि वो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के मुद्दे को जोर शोर से उठाएं। जिस दिन से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा है, वहां की सियासत करने वाली पार्टियों की नींद उड़ गई है। वो न केवल इस बात का विरोध कर रही हैं, बल्कि महबूबा ने पाकिस्तान से बात का जिक्र करके कई संगठनों को भड़का दिया और वो उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस मामले में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता भी आग बबूला हो गए। उन्होंने भी जम्मू में महबूबा के बयान का विरोध किया और गुस्से में आकर उनके पोस्टर जलाए। यही नहीं, डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए महबूबा को पाकिस्तान भेजने की मांग तक कर डाली। श्रीमान प्रधानमंत्री जी, इसको दिल्ली मत बुलाओ, इसको पाकिस्तान भेजो, जो पाकिस्तान की बात करता है। इन लोगों का गुस्सा केवल महबूबा मुफ्ती पर ही नहीं, बल्कि पूरे गुपकार गठबंधन पर है और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पीएम के साथ बैठक में वो देश हित की कोई बात नहीं करेंगे। महबूबा मुफ्ती और गुपकार गठबंधन का विरोध करने वालों की लिस्ट में भीम सिंह की पैंथर्स पार्टी भी शामिल है, जिसको इस बात पर आपत्ति है कि पीएम ने बैठक में गुपकार गठबंधन को बुलाया ही क्यों। उन्होंने नारे लगाकर ये बात जाहिर भी की। बैठक में जम्मू की पार्टियों को नजरअंदाज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथ ही उन्होंने ये मांग की कि बैठक में राष्ट्रवादी पार्टियों को बुलाया जाना चाहिए, न कि अलगाववाद का समर्थन करने वाली पार्टियों को। तरजीह जो है वो उन लोगों को दी जाती है जो पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले हों। एक तरफ विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर पीएम से मिलने से पहले गुपकार गठबंधन के नेता ताबड़तोड़ बैठकें करते नजर आए, जिससे ये संकेत मिलने लगे कि वो बैठक में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराएंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के करीब 2 साल बाद ये बैठक हो रही है, जिसे राजनीतिक गतिरोध खत्म करने के लिए केंद्र की बड़ी पहल माना जा रहा है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों को 14 प्रतिनिधियों को बुलाया गया, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद जैसे नेता शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बीजेपी के निर्मल सिंह और पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह समेत लेफ्ट और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी न्योता मिला है। माना जा रहा है कि बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और विधानसभा चुनाव कराने के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। हरियाणा के फतेहाबाद से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 40 साल पुराने एक गुरुद्वारे की इमारत का एक हिस्सा अचानक ढह गया। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बताया गया कि ये सभी वहां मरम्मत के काम में जुटे हुए थे, लेकिन तभी इमारत का एक हिस्सा भरभराकर उन पर गिर गया। उसके मलबे में वहां काम कर रहे मजदूर दब गए, जिसके बाद आसपास के लोग उन्हें बचाने में जुटे और थोड़ी ही देर में वहां खुदाई करने वाली कुछ मशीनें भी लाई गईं, ताकि मलबे को हटाकर उसके नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला जा सके। इस हादसे की खबर मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जुट गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां आपसी विवाद में यात्रियों से भरी एक बस पर बदमाशों ने हमला कर दिया। बताया गया कि ये बस दिल्ली से बिहार जा रही, तभी बदमाशों ने हाईवे पर ही उसे घेर लिया और फिर डंडे लेकर उस पर टूट पड़े। उन्होंने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उसमें कई यात्री सवार थे। उन पर तो जैसे उस बस को चकनाचूर करने की धुन सवार थी।
देखते ही देखते बदमाशों ने बस की सभी खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। सामने आई तस्वीरों में वहां एक और बस नजर आई जो काले रंग की थी, जिसके बाद तोड़फोड़ कर रहे कुछ बदमाश उसमें सवार हो गए और फिर उस बस को रिवर्स गियर में लेकर जिस बस पर हमला किया जा रहा था उसमें टक्कर मार दी। ओ मारे मम बस मारी। इसके बाद सभी हमलावर टक्कर मारने वाली बस में बैठकर वहां से फरार हो गए। उनके जाने के बाद बस में बैठे यात्री एक एक कर नीचे उतरने लगे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई। चौकी इंचार्ज की तरफ से ही मुकदमा पंजीकृत करा लिया गया है। इस तोड़फोड़ में किसी यात्री को चोट नहीं आई, लेकिन बस को भारी नुकसान पहुंचा। धर्मांतरण केस के तार जाकिर नाइक से भी जोड़े जा रहे हैं। जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारियां मिली हैं और धर्मांतरण के मामले में एक संस्था आईडीसी यानी इस्लामिक दावा सेंटर अब खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। उमर गौतम और जहांगीर केस के धर्मांतरण केस में खुफिया एजेंसियों को उनके जरिए कई अहम जानकारी मिली है। धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले लोगों का कनेक्शन मौलाना यानी धर्म गुरु जाकिर नाइक जो भगोड़ा है उससे जोड़कर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, जो रैकेट चला रहे थे उन्होंने कई राज्यों में धर्मांतरण का धंधा फैला रखा था। इसमें विदेशी फंड भी आ रहा था और कहा जा रहा है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भी इसमें फंड दे रही थी। विदेशी फंड के जरिए धर्मांतरण गैंग का जाल यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में फैला है और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराने का काम कर रहा है। अभी तक लगभग 400 लोगों की हमने जो प्रोफाइलिंग की है उसके हिसाब से लगभग 55% महिलाओं का कन्वर्शन हुआ है और 45% पुरुषों का हुआ है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण राज्य जहां से कन्वर्शन हुए हैं वो आसाम है, आंध्रा है, तेलंगाना है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, गुजरात है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली है और यूपी है। धर्मांतरण के मामले में एक संस्था IDC यानी इस्लामिक दावा सेंटर अब खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। सूत्रों के मुताबिक दावा सेंटर धर्मांतरण का काम करता है क्योंकि दावा का मतलब ही है इस्लाम का नियंत्रण। IDH यानी दावा सेंटर के तार भगोड़े मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक के साथ भी जुड़े हैं। दरअसल IDC नाम की संस्था कतर के एक इस्लामिक ऑनलाइन विश्वविद्यालय से जुड़ी है। इस्लामिक ऑनलाइन विश्वविद्यालय इस्लाम की सलाफी धारा के उपदेशक बिलाल फिलिप्स का है और बिलाल फिलिप्स नाम का ये सलाफी उपदेशक जाकिर नाइक का सहयोगी है। धर्मांतरण कराने की बात गिरफ्तार किया गया मौलाना उमर गौतम खुद कबूल करता पाया गया है। अब इस मामले में खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। खुफिया एजेंसियों के रडार पर ऐसे NGO और धार्मिक संस्थान हैं। खुफिया सूत्रों की माने तो देश में ऐसे 60 से अधिक संगठन हैं जो धर्मांतरण का काम जोरों से चला रहे हैं। ऐसे NGO और संगठन अब खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं। गिरफ्तार किए गए दो मौलानाओं से मिली जानकारी के मुताबिक इनके कनेक्शन कई संगठनों के साथ हैं। इनमें से एक है इरफान शेख जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार में अनुवादक के तौर पर काम करता है। इस शख्स के बारे में जानकारी है कि ये IDC को जरूरतमंद मूक बधिर युवाओं और महिलाओं की डिटेल मुहैया करवा रहा था जिन्हें आर्थिक मदद देकर धर्मांतरण के लिए टारगेट किया जाता था। मौलाना उमर गौतम के ग्लोबल पीस सेंटर दिल्ली के साथ करीबी संबंध है। ये सेंटर मौलाना कलीम सिद्दीकी चलाता है। ग्लोबल पीस सेंटर के बारे में जानकारी मिली है कि ये हरियाणा के मेवात इलाके में धर्मांतरण की गतिविधियों में शामिल है। खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि फिलहाल देश भर में 60 से ज्यादा दावा संस्थान चलाए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा लगता है कि इन केसेस को ज़्यादा जो है सेंसेशनलाइज करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक का नाम लिया जाता है। ये जो एलिगेशंस किए जा रहे हैं कि वो इस कन्वर्जन के पीछे है, ये एलिगेशंस बिल्कुल गलत है। इन 60 संगठनों के मेन टारगेट पर हैं यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र। दावा नाम से कट्टरपंथी और कट्टरपंथी संगठन इन राज्यों में धर्मांतरण के अवैध धंधे में लगे हैं। खुफिया एजेंसियों ने इसे साइलेंट जिहाद का नाम दिया है। सूत्रों के मुताबिक जांच में मिली जानकारी है कि IDC को कतर, कुवैत और USA के NGO यानी गैर सरकारी संगठनों से फंडिंग की जा रही है। साथ ही भारत के कई NGO से भी फंड दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक फातिमा चैरिटेबल फाउंडेशन दिल्ली से भी संगठन को फंडिंग हो रही है। इसके अलावा अल हुसैन एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन लखनऊ से फंडिंग मिल रही है। मेवाड़ ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल वेलफेयर फरीदाबाद से भी फंड दिया जाता है। मुंबई के मरकज उल मारीफ से भी फंड मिलने की जानकारी मिली है। दिल्ली में चलने वाले गैर सरकारी इस्लामिक संगठन ह्यूमन सॉलिडेरिटी फाउंडेशन से फंडिंग की जानकारी है। और चर्चा ये भी है कि असम में कांग्रेस के साथी पार्टी
ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के नेता और सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल भी दावा नाम के संगठन को फंड देते हैं। यूपी धर्म परिवर्तन गिरोह के मामले में सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि एनजीओ से धर्म परिवर्तन की आड़ में फंडिंग के मामले में कड़ी तफ्तीश की जा रही है। भारत में FCRA के तहत रजिस्टर्ड जिन एनजीओ में पैसा आने की जानकारी मिली है और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर्ड जो एनजीओ नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर केंद्र सरकार जल्द कार्रवाई कर सकती है। कार्रवाई बहुत कठोरता से हो रही है और इस प्रकार की चीजें उत्तर प्रदेश और देश कहीं पर भी बर्दाश्त किए जाने योग्य नहीं है। और यह लालच दे करके डर दिखा करके अगर कोई इस प्रकार का कुकृत्य किया है तो उसकी पूरी जांच की जा रही है और जांच के अंतर्गत जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। और इस प्रकार की कोई भी घटना अगर कोई उत्तर प्रदेश में करके ये समझता है बच जाएगा तो वो संभव नहीं। मामले की उधरती परतें देखकर लग रहा है कि दावा धर्मांतरण के धंधे में दावा की जड़ें बहुत गहरी हैं। जांच एजेंसियों को यह भी पता चला है कि धर्मांतरण का धंधा कराने वाले लालच या प्रलोभन देकर उन्हें धर्मांतरण कराते थे। कई ऐसे केस भी सामने आए जिसमें दबाव बनाकर धर्मांतरण कराया गया। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक गिरफ्तार मौलाना उमर के मुताबिक उन्होंने अब तक 1000 से अधिक लोगों का धर्मांतरण कराया। मध्य प्रदेश के रतलाम में जिला प्रशासन के तमाम कर्मचारियों को टीका लगवाने का आदेश दे दिया गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में जिला प्रशासन ने सभी सरकारी कर्मचारियों को कोरोना का टीका लगवाने का आदेश दिया। साथ ही वैक्सीन न लगवाने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें एक स्वभावगत आलस्य होता है कि चलो हो जाएगा, उनके लिए ये हमने प्रावधान किया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 3 लड़कों पर एक लड़की को उसके घर की दूसरी मंजिल से नीचे फेंकने का आरोप लगा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें 3 लड़के मोटरसाइकिल से उस लड़की के घर के बाहर पहुंचे। कुछ देर बाद पीड़ित ऊपर से नीचे गिरती दिखाई दी जिसके बाद वहां भीड़ जुट गई। 3 लोग आए के तुरंत ही घर में घुस के मारपीट शुरू कर दी और मेरी लड़की दूसरी मंजिल पर नीचे गिर गई। बताया गया कि इस घटना में उस लड़की की रीढ़ की हड्डी टूट गई। इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 युवकों को तत्काल ही गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले अपने प्रदेश के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना विंबलडन क्वालिफायर टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। उन्हें अमेरिका की वारवारा लेपचिंको ने 6-3 और 7-6 से हराया। यूपी के हरदोई में खेत में काम करने गई एक महिला ने एक आदमी पर रेप करने का आरोप लगाया जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक नदी में फंसे बैल को बचाने के लिए 2 लड़के किसी फरिश्ते की तरह उसके पास पहुंचे। बताया गया वो बैल बीमार था जिस वजह से उसे नदी से बाहर निकलने में दिक्कत हो रही थी, जिस पर जैसे ही उन दोनों लड़कों की नजर पड़ी एक नदी में घुस गया और दूसरे ने किनारे पे खड़े रहकर उसका हाथ पकड़ लिया। फिर वो दोनों अपनी जान पर खेलकर उस बैल को बचाने में जुट गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन दोनों लड़कों ने उस बैल को बचा लिया। उस बैल के सींगों को पकड़कर धीरे धीरे उसे बाहर की तरफ खींचना शुरू कर दिया, लेकिन सामने आई तस्वीरों में साफ दिखा कि उस बैल में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो आगे बढ़ने की कोशिश भी कर सके। इसके बावजूद उन लड़कों ने हिम्मत नहीं हारी और उसे नदी से बाहर निकाल लिया। स्पेन के बार्सिलोना में कैटालोनिया की आजादी की मांग करने वाले अलगाववादी नेताओं को जेल से रिहाई मिल गई। कड़े विरोध के बावजूद स्पेन के प्रधानमंत्री ने जेल में बंद इन नेताओं को माफीनामा जारी किया था जिसके बाद सभी 9 नेताओं को रिहा कर दिया गया। और समर्थकों की भारी भीड़ के बीच जेल से बाहर निकले ये नेता एक दूसरे को गले लगाते नजर आए। वहां जुटे उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और उनकी रिहाई की खुशी में नारेबाजी की। इस दौरान जेल के बाहर मीडिया वालों का भी हुजूम नजर आया जिनके बीच जेल से रिहा हुए नेताओं की तस्वीरें खींचने की होड़ लगी दिखी। लेकिन उधर अलगाववादी नेताओं की रिहाई से नाखुश सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच मार्च करते प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के फैसले के विरोध में खूब नारेबाजी की और अलगाववादी नेताओं पर रियायत बरतने वालों के खिलाफ आवाज उठाई। इस दौरान ये प्रदर्शनकारी हाथों में झंडों के साथ एक बड़ा सा बैनर पकड़े दिखे जिस पर लिखा था अलगाववादी नेताओं को माफ करना देशद्रोह जैसा है।
अमेरिका के ओरेगन से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक घर में पले चिंपैंजी को मारने के लिए सुरक्षाकर्मी को बुलाना पड़ा। बताया गया कि पालतू चिंपैंजी ने घर में रहने वाली एक महिला पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिससे डर कर महिला की बुजुर्ग मां ने चिंपैंजी को जान से मारने के लिए पुलिस को बुलाया, जिसके बाद बंदूक के साथ वहां पहुंचे पुलिस वालों को देखकर बाड़े के अंदर मौजूद चिंपैंजी ने चीखना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस वाले ने बाहर से ही आवाज देकर अंदर मौजूद महिला का हालचाल पूछा और जाली के बाहर से निशाना लगाकर चिंपैंजी पर गोली चला दी। गोली लगते ही चिंपैंजी की मौत हो गई और पुलिस वाले के हेलमेट में लगे कैमरे में यह घटना रिकॉर्ड हो गई। गुजरात के राजकोट से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक कार पुल से नीचे गिरकर नदी में बह गई। हादसे में उस कार में सवार एक आदमी की मौत हो गई, जबकि दो महिलाओं को आसपास के कुछ लोगों ने डूबने से बचा लिया। लेकिन इसके लिए उन लोगों को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी, क्योंकि जिस वक्त वो लोग एक रस्सी के सहारे पुल से नीचे उतरकर उनकी मदद कर रहे थे, उसी वक्त नदी में पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे वो कार कई बार पलट गई। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग पुल के ऊपर खड़े दिखाई दिए। उन्होंने उस रस्सी को कसकर पकड़ रखा था। इसके बाद उस आदमी के शव को भी उसी रस्सी के सहारे ऊपर खींचा गया, जिसकी मौत पानी में डूबने से हो गई थी। इस हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। उत्तराखंड में नदी किनारे बसे गांव में रहने वाले लोगों पर रहने और खाने का संकट मंडराने लगा है। बारिश की वजह से वहां के कई जिलों में पहाड़ खिसकने की घटनाएं हो रही हैं और नदियां भी उफान पर हैं। पिछले कुछ दिनों से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। चमोली में तो बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि सड़कें टूट गई और कई परिवार बेघर हो गए। सर से छत छिनी तो मजबूरन इन लोगों को खेतों में टेंट लगाकर रहना पड़ा, और वो भी किराया देकर। उत्तराखंड में बारिश ने बहुत तबाही मचाई है। चमोली जिले की बात करें तो यहाँ हालात बहुत खराब हैं। इस जिले में नदी किनारे बसे गांव के कुछ मकान नदी में बह गए, जिसके बाद बेघर हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो गौशाला में जानवरों के साथ रहने पर मजबूर हैं, तो कुछ ऐसे परिवार भी हैं जिनकी पूरी की पूरी खेती नदी के उफान के साथ बह गई। ऐसे में ये परिवार टेंट और तिरपाल के सहारे खेतों पर रहने में मजबूर हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के पिंडर नदी किनारे बसे गांव में से एक है ऊनी बगड़ गांव। ऊनी बगड़ गांव में 4 से 5 मकान नदी में डूब गए हैं। इनमें रह रहे कुछ परिवार ऐसे हैं जिनका कुछ नहीं बचा। नदी के प्रचंड वेग में सब समा गया और अब खेत में रहने को मजबूर। सब डूब गया, सब बह गया, कुछ नहीं रहा। पागा खाने के नंबर दन, ना गाद कपड़ा, ना रहने के कपड़ा, ना जोर पैसा पाए, कुछ नहीं बचा। और मेरे लिए ना मकान, ना मेरे जमीन है, कहाँ पर मैं क्या करूँ। जमीन भी चली गई, जमीन भी पूरी चले गई, एक इंच भी जगह नहीं बची। इसी गांव के कुछ परिवार जिनके मकान बह गए अब गौशाला में रहने को मजबूर हैं। ये अपनी जान बचाने में कामयाब रहे, लेकिन अब मुश्किल से अपना गुजर बसर कर पा रहे हैं। हाँ, बच्चे रोते हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत रोते हैं। अकेली हूँ घर में। तो घर क्या पूरा बह गया आपका? हाँ, पूरा बह गया घर। अच्छा, आपके सामने बाहर? हाँ, देखा हमने। अच्छा। सामान भी बह गया सारा, कुछ नहीं बचा। नहीं, मुसीबत में फंसे इन गांव वालों के पास अब राशन भी नहीं बचा है। मुसीबत के मारे गांव वालों के लिए अब कुछ लोग राशन की मदद पहुंचा रहे हैं, जिनमें ब्लॉक प्रमुख भी शामिल हैं। इलाके के ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि गांव के करीबन 4 से 5 मकान नदी में बह गए। अब ऐसे भी कुछ मकान हैं जिन पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। बारिश की मार से प्रभावित गांव में इलाके के लोग राशन बांट रहे हैं। घर बहे हैं, इसके बाद जो परिवार टेंट में रहने में मजबूर है, तो क्या लगता है कि कब तक इनकी मदद हो पाएगी? 18 तारीख को जिस तरीके से भारी बारिश के कारण से दो परिवार जिन्होंने अपना घर पूरी तरीके से उनका टूटा है और बह गया है, तो लगातार हम उसी दिन से इनके साथ हैं और प्रयास कर रहे हैं, शासन से बात कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं कि इनको तुरंत मदद मिले। चमोली जिले के कई गांव बारिश की मार से प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी किनारे बसे गांव में अब दहशत का माहौल है, क्योंकि उफनती नदी की वजह से इन गांव के कई मकानों पर संकट गहराने लगता है। कई बार ये देखा जाता है कि नदी की लहरें इतनी प्रचंड वेग से आती हैं कि पूरी जमीन ही निकल जाती है। ऐसे में उफनती नदी के इस डर से अब गाँव के लोग विस्थापन की मांग कर रहे हैं। ये है चमोली जिले के देवाल ब्लॉक का बुस्तरा गांव। यहाँ के लोग इन दिनों बेहद परेशान हैं। जमीन भी बह चुकी है, मकान भी बह चुके हैं, लोग बेघर भी हो चुके हैं।
और जिसमें हाँ लाइट की प्रॉब्लम है, अचानक मतलब किसी को फोन भी करना रहे कुछ प्रॉब्लम हो गया राशन का रहने का, मतलब अचानक बाढ़ और बढ़ गया तो और मतलब सब बेघर हो गए तो किसको फोन करेंगे कैसे करेंगे। गांव में रहने वालों ने बताया कि पिंडर नदी में उफान आते ही गांव के कई मकानों पर संकट मंडराने लगता है। नजदीक में हो रहे लैंडस्लाइड से भी लगातार खतरा बढ़ रहा है। कितनी दिक्कत है यहाँ पर? बहुत दिक्कत है, मकान के नीचे आ गया है, बहुत दिक्कत है, बाहर पहाड़ टूट रही है, मकान चले जा रही है, क्या होगा आप कहाँ जाएंगे? तो बारिश होती है तो आप लोग भी अपना घर छोड़ के ऊपर चले जाते हैं? रोड साइड चले जाते हैं। रोड साइड चले जाते हैं तो रात भर भी वहीं रहते हैं बैठे? अच्छा, वहीं रहते हैं। अच्छा, गांव वालों ने बताया कि बारिश होने पर ये अक्सर अपने मकानों को छोड़कर ऊपर सड़क पर चले जाते हैं क्योंकि कभी भी कोई भी दुर्घटना होने का भय बना रहता है। गांव से जुड़ने वाली सड़क भी टूट चुकी है, ऐसे में वक्त पर मदद आने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। बीमार है और रोड नहीं है, कहाँ से ले जाओ? अच्छा, अस्पताल जाना था आपको? हाँ, अस्पताल ही जाना था। गांव में कोई डॉक्टर डॉक्टर नहीं? डॉक्टर कोई नहीं है। अच्छा, नहीं कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, कहाँ ले जाना है? अच्छा, चमोली जिले के इस गाँव में उन परिवारों की परेशानी बढ़ गयी है जिनके घर में लोग बीमार है। चमोली जिले के बुस्तरा गांव के लोग इन दिनों बेहद परेशान हैं क्योंकि गांव से सड़क का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। गांव में मरीज भगवान भरोसे हैं और पिछले 5 दिनों से इस गांव की बिजली कटी हुई है, ऐसे में किसी से मदद भी नहीं मांगी जा सकती। अब गांव के लोगों के फोन की बैटरी भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यूपी के मेरठ से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दो पक्षों में हुई मारपीट को सुलझाने गए कुछ पुलिस वालों पर हमला हो गया। आरोप है कि एक पुलिस वाले ने भी एक छोटे बच्चे के साथ बदसलूकी की, जिस पर पुलिस ने बाद में सफाई भी दी, लेकिन उससे पहले जो हुआ वो डरा देने वाला था। सामने आई एक तस्वीर में एक लड़का एक ट्रैफिक पुलिस वाले पर हमला करता दिखा, उसने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद कुछ और पुलिस वाले वहां पहुंच गए और हमला करने वाले लड़के को पकड़कर पीटने लगे। बवाल यहीं शांत नहीं हुआ, पुलिस की पिटाई से जख्मी हुए लड़के के परिवार वाले हंगामा करने लगे। हाथ में ईंट लिए एक महिला तो एक पुलिस वाले को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ी। इसके बाद वो महिला अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर उस लड़के को बचाने के लिए पुलिस वालों से भिड़ गई। मारपीट को देखकर वहां कई लोग जुड़ गए और उनमें कुछ लोगों ने बीच बचाव करने की भी कोशिश की। काफी देर के बाद भी जब ये हंगामा खत्म नहीं हुआ तो कुछ और पुलिस वालों को वहां बुलाना पड़ा, जिसके बाद हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान एक पुलिस वाले ने 2 महीने के बच्चे को भी जबरन उठा लिया। बच्चों को चोट न पहुंचे लोगों के पथराव में पुलिस के द्वारा उसको इवैक्यूएट वहां से किया जा रहा है। पुलिस ने मारपीट के इस मामले में कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। कोरोना संकट में अपनी बेटी की शादी कर रहे एक परिवार ने मेहमानों को न्योता देने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। उनकी बेटी की शादी अगले महीने 1 जुलाई को है, जिसमें मेहमानों को बुलाने के लिए उन्होंने शादी के कार्ड की जगह सैनिटाइजर की बोतलों का इस्तेमाल किया। इस परिवार ने सैनिटाइजर की बोतल पर शादी के कार्यक्रमों और वेन्यू से जुड़ी सारी जानकारियां छपवा दी। यहां तक कि दुल्हा दुल्हन की तस्वीर भी उस पर छपी दिखाई दी। बोतलों के अलावा उसकी पैकिंग का भी काफी अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया। ऐसा उन्होंने कोरोना से बिगड़े हालात को देखते हुए किया। यही नहीं, उन्होंने शादी के न्योते के साथ लोगों को मिठाई की जगह मास्क बांटने की भी ठानी, ताकि महामारी के दौर में किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए। सैनिटाइजर सब बहुत फ्रीक्वेंट यूज होते हैं तो यूजुअली ये पहुंच रहे हैं उनके पास, तो ये यूजफुल चीज है, तो ये वेस्टेज नहीं है, मास्क भी जरूरी है। मध्य प्रदेश के मुरैना से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां रेत का अवैध खनन करने वाले गिरोह से जुड़े कुछ लोगों ने वन विभाग की टीम पर हमला करने की कोशिश की। इस घटना से ठीक पहले वहां उन लोगों ने रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए अपनी गाड़ी उनके पीछे दौड़ा दी। बिल्कुल, बताया गया कि इसी दौरान वहां एक दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली से वन विभाग की टीम को कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश में वो ट्रॉली पलट गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और उस ट्रॉली को अपने कब्जे में ले लिया। बीच सड़क पर हुई इस घटना की वजह से वहां काफी लंबा जैम लग गया, जिसे बाद में पुलिस ने खुलवा दिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के घोघरा वाटरफॉल के पास पिकनिक मनाने गया एक परिवार पानी की तेज लहरों के बीच फंस गया।
बाद में इस परिवार के सभी 12 सदस्यों को बचा लिया गया, जिसके लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जो बेहद मुश्किल था क्योंकि इस वाटरफॉल में अचानक पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि इस परिवार के लोगों की जान खतरे में पड़ गई। बताया गया कि जब वो वाटरफॉल के पास एक ऊंची जगह पर पहुंचे थे, उस वक्त उनके आसपास पानी काफी कम था। एलोपैथी के खिलाफ दिए गए बयान से जुड़े मामले में योग गुरु रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। योग गुरु बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और अपने खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की। पिछले महीने रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने एलोपैथी को बेकार साइंस बताया था। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपना यह बयान वापस ले लिया था। इसी मामले में उनके खिलाफ पटना और रायपुर में केस दर्ज किया गया था। ICC की टेस्ट रैंकिंग में रविंद्र जाडेजा नंबर एक ऑलराउंडर बन गए। उन्होंने वेस्टइंडीज के क्रिकेटर जेसन होल्डर को पछाड़ा। दिल्ली में अनलॉक के बाद यात्री गाड़ियों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बस, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा में तय क्षमता से ज्यादा लोग सफर करते दिखाई दिए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह अनदेखी हुई। कई लोग तो बिना मास्क के ही सड़कों पर घूमते नजर आए। तीसरी लहर है, उसको बुलावा दिया जा रहा है, जो नियम बनाए हैं सरकार ने उसका बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। हैरानी की बात ये रही कि कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस के सामने ही कोरोना नियमों का मजाक बनाया गया। वहीं लापरवाही बरतने वाले लोगों के पास बहानों की भी कमी नहीं थी। दो लोगों की बजाय इतने सारे क्यों बिठा रहे हो भाई? काम नहीं है, बिठाना पड़ता है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दो जगहों पर छापेमारी की और अवैध तरीके से चलाए जा रहे कॉल सेंटरों का पर्दाफाश किया। राजस्थान हाईकोर्ट में अब वकील अदालत में मौजूद रहकर मामलों की पैरवी कर सकेंगे। हालांकि अभी कोरोना वैक्सीन लगवा चुके वकीलों को ही इसकी इजाजत दी गई। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में रात के वक्त रिक्टर स्केल पर 5.8 की तीव्रता का ऐसा भूकंप आया कि लोगों की नींद उड़ गई। पेरू पूरी दुनिया में भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोट के लिहाज से प्रशांत महासागर के सबसे खतरनाक इलाके रिंग ऑफ फायर के दायरे में आता है, इसलिए वहां अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और उसी कड़ी में राजधानी लीमा भूकंप से दहल उठी। जिस वक्त भूकंप आया तब एक टीवी चैनल पर डिबेट चल रही थी, लेकिन तभी धरती ऐसे कांपी कि एंकर और गेस्ट डर के मारे थरथर कांपने लगे। कालमा कालमा मांटेगा ला कालमा इन एस्टे मोमेंटो से स्टा प्रोड्यूसिंग अ सिस्मो। जलजला इतना जोरदार था कि चैनल की बिल्डिंग पर लगा कैमरा भी डोलने लगा और उसमें सामने सड़क की जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई उनमें सब कुछ हिलता दिखा। लोग भी नींद छोड़कर अपने घरों से भाग खड़े हुए। भूकंप की दहशत इतनी थी कि वो घरों में घुसने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। हालांकि पेरू में भूकंप से जान और माल के नुकसान की खबरें नहीं है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां एक गांव में अजगर के घुसने से हड़कंप मच गया। वहां के लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से पकड़ा। वो अजगर 10 फीट लंबा बताया गया, जिसने उस गांव के लोगों को दहशत से भर दिया। जैसे तैसे उन लोगों ने हिम्मत जुटाई और उसे पकड़ने की कोशिश में जुट गए। कई लोगों ने उसे घेर लिया। एक शख्स उसे बोरे में भरने की जद्दोजहद करने लगा, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उसकी मदद के लिए एक दूसरा आदमी सामने आया, जिसने एक डंडे की मदद से उस अजगर को बोरे की तरफ ले जाने की कोशिश की। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। आखिरकार गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। बाद में वन विभाग के कर्मचारियों को बुलाया गया, जो उसे अपने साथ ले गए। बिहार के कई इलाकों में बारिश थमने के बाद नदियों के उफान ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया। भागलपुर में तो गंगा नदी के किनारे बसे कुछ गांवों के लोग तेज बहाव को देखकर सहम गए, क्योंकि वहां पिछले कुछ दिनों के अंदर ही नदी के तेज बहाव में किनारे की बहुत सारी मिट्टी कट चुकी है। इतना ही नहीं, 3 साल पहले वहां सीमेंट की जो सड़कें बनाई गई थीं, उसका एक बड़ा हिस्सा भी नदी में समा गया। बोल दे गंगा माई की जय, आधे रोड टूट गया भाई। लोगों ने चिंता जताई कि किनारे की मिट्टी को काटते हुए नदी का पानी उनके गांवों में भी घुस सकता है। अब किस रास्ते से जाएगा इस गांव वाले को पता नहीं है। नवादा में भी नदियों के उफान पर आने से कई रास्ते टूट गए। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में एक रास्ते पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। बताया गया कि इस रास्ते के टूटने से वहां के कई गांवों का आपस में संपर्क कट गया। यूक्रेन से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां के ओडेसा शहर में समंदर के किनारे एक छोटी पहाड़ी खिसकने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि वहां मिट्टी के मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिनकी तलाश में बचाव कर्मियों और पुलिस कर्मियों की टीम सुबह शाम लगी हुई है। समंदर किनारे छिड़े बचाव अभियान के दौरान खुदाई करने वाली मशीन से लेकर बचाव कर्मी तक मलबा हटाने के काम में जुटे हुए नजर आए, लेकिन मलबे का ढेर इतना ज्यादा है कि फिलहाल उनको कोई कामयाबी नहीं मिली है।
यूपी के चंदौली से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने खाने के पैसे देने पर हुए विवाद में एक ढाबे में घुसकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि हमलावरों में इलाके के बीजेपी नेता चरण सिंह का बेटा भी था। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग रात के अंधेरे में ढाबे को निशाना बनाते दिखे। इससे पहले कुछ हमलावर वहां आए और ढाबे के अंदर दाखिल हो गए। इन लोगों ने ढाबे में घुसते ही डंडों से तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक लड़का वहां रखी कुर्सियों को टेबल पर पटकने लगा तो उसके एक साथी ने डंडों से पीटकर कुछ कुर्सियों को तोड़ दिया। थोड़ी देर तक हंगामा करने के बाद ये सभी लोग वहां से फरार हो गए। वारदात के बाद की भी कुछ तस्वीरें सामने आईं। उनमें एक तस्वीर में दिखा कि फूलों के गमले हों या फिर ढाबे का काउंटर, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बताया गया कि ये लोग पहले भी कई ढाबों में इस तरह की हरकत कर चुके हैं। राजस्थान के निर्दलीय विधायकों के भी दो गुटों में बंटने के संकेत हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक कहे जाने वाले निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा के पायलट पर दिए बयान पर घमासान चिढ़ गया। उन्होंने सचिन पायलट पर न सिर्फ गहलोत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया बल्कि उन्हें बाहरी तक बोल दिया। राजस्थान में उनका कोई उपयोग नहीं है। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हो रहा है, मेरी सलाह है उनको उत्तर प्रदेश में उनका उपयोग किया जाए। जिसका जवाब देने पायलट गुट के विधायक सामने आए। इनको किसने पावर दिया? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दिव्यांग निशानेबाज दिलराज कौर इन दिनों देहरादून में चिप्स और नमकीन बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाने को मजबूर हैं। हाल ही में उनके पिता और भाई की इलाज के बाद मौत हो गई। उनके इलाज में काफी पैसा खर्च हुआ जिससे उनके परिवार पर काफी आर्थिक संकट आ गया। आपने मुझे नौकरी दी होती या जो मैं सम्मान निर्वाह करती हूँ वो मुझे दिया होता तो आज नौबत न आती। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 248 लीटर मिलावटी दूध पकड़ने का दावा किया। साथ ही इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने पुणे में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। वो जल्द ही ओलंपिक खेलों के लिए टोक्यो रवाना होने वाली हैं। जयपुर में गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायकों में फूट पड़ने की खबर है। वहां के एक होटल में गहलोत समर्थक कहे जाने वाले G19 विधायकों की बैठक हो रही थी, लेकिन बीएसपी से कांग्रेस में आए राजेंद्र गुड़ा के बैठक में आने पर 5 निर्दलीय विधायक नाराज हो गए और गाड़ी से नीचे तक नहीं उतरे और गेट से ही लौट गए, जिसके बाद बैठक के आयोजक निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा होटल से बाहर आ गए और अपनी गाड़ी में सवार होकर नाराज विधायकों को मनाने चले गए। लेकिन राजेंद्र गुड़ा ने निर्दलीय इस वजह से अब देख सकते हैं कि संयम लोढ़ा जो बैठक का आयोजक है वो उनको मनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन राजेंद्र गुड़ा ने निर्दलीय विधायकों की नाराजगी पर खुलकर नहीं कहा और सर्किट हाउस रवाना हो गए, क्योंकि विवाद के बाद बैठक सर्किट हाउस में हुई। संयम जी को मनाने के लिए जाना पड़ा उनको, ऐसा क्या हो गया? मुझे पता नहीं संयम जी को मनाने के लिए जाना पड़ा या मुझे तो ये बात आप बता रहे हो। पश्चिम बंगाल के बीरभूम और हुगली में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने TMC का दामन थाम लिया। बताया गया कि ये सभी लोग विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने को अपनी गलती बताते हुए सभी लोग TMC में लौट गए। TMC में शामिल होने से पहले कुछ लोगों ने तुलसी और धान के पौधों को हाथ में लेकर शपथ भी ली। दावा किया गया कि बीरभूम में 4000 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी को छोड़कर TMC में शामिल हुए। बीजेपी एक सांप्रदायिक दल, बीजेपी को पश्चिम बंगला नेतृत्व नहीं। हुगली में भी TMC सांसद अपरूपा पोद्दार की अगुवाई में कई लोगों ने TMC का दामन थामा। उनमें कुछ लोगों ने चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने को अपनी गलती बताया और सिर मुंडवाकर प्रायश्चित किया। TMC ने दावा किया कि हुगली में भी उसने सैकड़ों लोगों को बीजेपी से TMC में शामिल करवाया। पंजाब के अमृतसर में कृषि सुधार कानूनों के विरोध में कुछ किसानों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने इस मुद्दे पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी और जम्मू कश्मीर अमृतसर हाईवे पर इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के विरोध में पुतला जलाया। इस प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर एक तरफ की सड़क जाम हो गई, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां पर डटे रहे। उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए नारे लगाए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इनके साथ ही इन लोगों ने पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों का भी मुद्दा उठाया और ऐलान किया कि 26 जून को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। आज की ताजा खबर जारी है, मैं हूं किशोर अजवाणी।